अब आपको आपकी न्यूज़ यानी कि अच्छी खबर बताते हैं। अंगदान यानी कि महादान, भारत में पहली बार 1970 में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था। पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी का हुआ था, लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने का काम अभी कुछ अधूरा सा है। अब कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको हैरत में डाल देंगे। हर साल भारत में करीब 5 लाख ऐसे लोगों की मौत हो जाती है जिन्हें जरूरत के वक्त पर अंग नहीं मिल पाता है। 2 लाख लोगों की लीवर से संबंधित बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। 50,000 लोगों की दिल की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। 1,50,000 लोगों को एक अदद किडनी की जरूरत है, लेकिन 5,000 किडनी के बीमारों में एक को ही किडनी मिल पाती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आप उन्हीं का नेत्रदान करना चाहेंगे? वर्षा वेद, उम्र तकरीबन 60 साल। पेशे से अकाउंटेंट रह चुकी वर्षा वेद की जिंदगी का एक ही मकसद है, अंगदान के लिए जागरूकता पैदा करना। वर्षा वेद ने नेत्रदान को मिशन बना लिया है और इस मिशन के तहत अब तक हजारों लोगों को उन्होंने आई डोनेशन के लिए राजी किया है। 2004 में जो राजावाड़ी हॉस्पिटल में शुरू किया, वो एक साल के अंदर मैंने करीबन 200-250 लोगों को मैंने विजन देने के लिए कोशिश करके लिया है। उधर आई डोनेशन इतना हुआ था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इसी तरह का आँख आई डोनेशन की एक्टिविटी में हम लोग कुछ करते हैं तो ब्लाइंड लोगों को भी एक अच्छा रहता है। जिनको विजन मिलती है उन्हीं की भी दुआ मिलती है और मुझे जिसने दुआ दी है उसका ऋण भी चुका सकती हूँ। 40 साल की उम्र तक आते आते वर्षा की दोनों आंखों की रोशनी करीब 90% जा चुकी थी, जिसके बाद एक नेक इंसान के नेत्रदान के बाद ही वर्षा दोबारा दुनिया देख पाई और तभी उन्हें नेत्रदान की अहमियत समझ आई। अब वो जिंदगी भर इसी मिशन से जुड़ी रहना चाहती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खूबसूरत दुनिया को देख पाए। 2003 में मेरा आंखों का ऑपरेशन के बाद हार्डली 15 दिन के अंदर ऐसा लगा कि मुझे पूरा नया लाइफ मिला है। मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था, मैं सब कुछ कर सकती थी। तो आई गॉट द न्यू लाइफ। पहले जब भी मेरी आंखों का ऑपरेशन के बाद पट्टी निकली और मुझे दिखाई देने लगा, तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी भगवान के रूप में जिन्होंने आंखें देकर मुझे ये नया जीवन दिया है तो मुझे उसका सदुपयोग करना चाहिए करके। तभी मैंने सोच लिया कि अभी मैं ये आंखों का सदुपयोग करके नया कुछ नेत्रदान के लिए कुछ काम करूंगी करके। नेत्रदान महादान है और यही लोगों को समझाना वर्षा की जिंदगी का मकसद है, जिसके लिए उन्होंने 20 साल पुरानी अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ दी और जुड़ गई आई बैंक कोऑर्डिनेशन एंड रिसर्च सेंटर से बतौर काउंसलर। 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही वर्षा काउंसलर के तौर पर काम करने लगी और साल 2004 से उन्होंने घाट कोपर के राजावाड़ी हॉस्पिटल से अपना मिशन शुरू किया। ऊपर वाले ने जो ये दिया है आंखें विजन दी है तो उसका सदुपयोग करके इन्हीं के साथ में ज्वाइंट हुई और फर्स्ट मैंने राजावाड़ी हॉस्पिटल से मैंने शुरू किया। अच्छा। एक घाट कोपर में अर्पण आई बैंक करके आई डोनेशन सेंटर है जहाँ नेत्रदान, घाट कोपर का नेत्रदान वहाँ कलेक्शन होता है। उन्हीं के ट्रस्टी के साथ हेल्प करके उन्होंने मुझे ट्रेन किया एंड आई स्टार्टेड राजावाड़ी हॉस्पिटल इन 2004। वर्षा वेद की मेहनत ही है जो साल 2011 से लेकर अब तक उन्होंने करीब 1,000 लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में आंखें दान करने के लिए प्रेरित किया, जबकि इसमें प्राइवेट तौर पर आंखें दान देने वालों की गिनती नहीं है। लोगों को आंखें दान देने के लिए जागरूक कर रही वर्षा एक मिसाल बन चुकी है। खुद पे गुजरी हुई है तो वो डोनर फैमिली को भी बहुत इजीली समझा सकती है कि व्हाई दे हैव टू डोनेट। लाइव एग्जांपल है, शी इज लाइक अ एम्बेसडर ऑफ EBCRC, हम लोगों के आई बैंक की, कि इसलिए लोगों को बातें बहुत जल्दी समझ में आती है उनके बारे में। देश में अंगदान के लिए जागरूकता को बढ़ाया जाए तो न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। चाहे ब्रेन डेड हो या सामान्य मौत की सूरत में आंखें दान करना, शरीर का लगभग हर अंग किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी दे सकता है।
मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।